मीडिया टीवी में आपको स्वागत है। मैं विकास मिश्रा सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि महंगाई का मुद्दा काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ पुंडरीकाक जी हैं। नमस्कार पुंडरीकाक जी। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ कृष्णकांत जी हैं, जो हम इस परिचर्चा पर आगे इसको लेके चलेंगे। क्या कैसे आप इसको देख रहे हैं पुंडरीकाक जी, कि महंगाई जो है सो दिन ब दिन जो है सो बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर से जो डीजल और पेट्रोल के दाम हैं वो आसमान को छूते जा रहे हैं, 100 रुपये का आंकड़ा पार हो चुका है, किस परिप्रेक्ष्य में आप इसको देखते हैं? महंगाई एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है समाज के लिए, और डीजल पेट्रोल जो है वो उस इससे तो सारी वस्तुओं के दाम में पे प्रभाव पड़ने वाला है। सब कुछ जो दैनिक जीवन में हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, सब्जी, राशन सामान, आने जाने का खर्चा, सब कुछ इससे बढ़ने वाला है। तो ये बहुत दिक्कत का विषय है। और मैं अभी जहाँ पे रह रहा हूँ, जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, उसमें तो हमने देखा है कि एक छोटी सी महंगाई का मुद्दा को लेकर के सरकार को बदलते हुए हमने देखा है, और एक कुशल सरकार को बदलते हुए देखा है। आज सुषमा स्वराज जी नहीं रहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं, और प्याज के मुद्दे पे जी याद है जब अटल जी की सरकार हुआ करती थी, और प्याज के मुद्दे पे प्याज के मुद्दे में एक कुशल सरकार को, हाँ, बहुत सक्षम नेतृत्व को जनता ने बदल दिया था। तो कृष्णकांत जी, आप क्या समझते हैं कि ये जो बदलाव तब हुआ था वो अब क्या होना चाहिए? अभी भी होना चाहिए महंगाई के मुद्दे पर, क्योंकि महंगाई से सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, खास करके घर का बजट चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसमें माल ढुलाई करने वाले भी मजबूर होते हैं, उनका भी दाम बढ़ाना पड़ता है अपना, जिसका सारा जो प्रभाव पड़ता है एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं, और अंत में जो सबसे कंज्यूमर है उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सारा बोझ कंज्यूमर पर ही आना पड़ता है। और महंगाई कम से कम पेट्रोल और डीजल का तो कम होना ही चाहिए। पुंडरीकाक जी, जैसे आपने चर्चा किया कि लास्ट जो कुशल सरकार थी वो बीजेपी की ही सरकार थी, जिसको कि प्याज के प्राइसिंग पे हाइक होने पे जो है सो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आज जिस कदर से महंगाई बढ़ गई है, जिसको कि अगर हम पिछले परिप्रेक्ष्य में देखें, तो खुद मोदी जी ने भी इस मुद्दे को एड्रेस किया था लास्ट जब रिजाइन मनमोहन सिंह सरकार का था, या कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, या यूपीए की गवर्नमेंट आप कह लें। तो क्या आपको लगता है कि ये इसका जो इम्पैक्ट है वो नेक्स्ट इलेक्शंस में दिखाई देगा गवर्नमेंट के ऊपर, या मोदी सरकार को इस पर चिंतित होना चाहिए? कैसे आप इसको ले रहे हैं? सरकार को निश्चित रूप से इसके लिए चिंतित होना चाहिए, और सरकार से निवेदन है या सरकार का ये काम भी है कि जो जन साधारण जनता है उनके वेलफेयर के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा कदम उठाते रहे और अच्छा कदम उठाए। ये और ये सरकार से इसलिए ज़्यादा उम्मीद रही है कि हर एक फ्रंट पे, चाहे महंगाई का हो, सुरक्षा का हो, देश हित की बात हो, सब पे सरकार ने अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं। तो हम लोगों को इनसे निवेदन है, हमारी अपेक्षा है कि इस पे भी जल्द से जल्द उचित कदम उठाएं, जिससे कि महंगाई रूपी जो व्यापकता जो बढ़ती जा रही है महंगाई की, उस पे नियंत्रण किया जा सके। लोग दूसरे काम को जो सराह रहे हैं इस सरकार के साथ के साथ महंगाई में अगर ये कंट्रोल लाते हैं, तो इसके लिए भी सरकार को क्रेडिट दें। कृष्णकांत जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अभी पुंडरीकाक जी ने इस बात को काफ़ी एम्फेसिस किया कि जो है सो सरकार को इस दिशा में देखना चाहिए, ठीक है, और आपने लास्ट पर चर्चा अभी जो डिस्कशंस हो रहा था उसमें भी आपने इस पॉइंट्स को बहुत बखूबी उठाया कि जो परिवार है उस परिवार का जो खर्चा है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आपको याद होगा जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा तरीके से उछाला था, बीजेपी के लोगों ने ही उछाला हुआ था,
तो आज आपको क्या लगता है कि सरकार एकदम क्या निरंकुश हो चुकी है, जिसको जिसकी सोच खत्म हो चुकी है कि हाँ हमें जो है सो जो हमारी जनता है उनके परिप्रेक्ष्य में भी हमें सोचना चाहिए, वो हमेशा राजस्व का ठीकरा जो है सो जनता के ऊपर फोड़ती है, बार बार ही मुद्दा बताया जाता है कि सरकार का राजस्व का बोझ जो है सो बढ़ रहा है, कैसे क्या आप सोचते हैं इसे? सरकार को खैर राजस्व का तो ध्यान देना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार से आग्रह है कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक किए थे उसी तरह महंगाई के ऊपर भी स्ट्राइक करें, तभी कुछ बात बनेगी। क्यों नहीं कर रही है आपको क्या मतलब? मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जो सरकार में आने से पहले जो बीजेपी के अपनी प्रॉमिस थे और जितना वो एग्रेसिव होके महंगाई के मुद्दे को हाईलाइट करते थे, आज उनकी वो बाध्यता क्या है कि वो जो है सो जो कॉमन पर्सन्स हैं उनकी उनकी मजबूरियों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। और जैसे कोविड का इंसिडेंस हुआ, कोविड के बाद सभी को पता है कि जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आया है तो उस क्राइसिस में महंगाई का बढ़ जाना अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। तो उसको कंट्रोल केवल राजस्व के भार के बहाने से ही बता देना कि ये मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये उचित नहीं है। तभी हम आपके माध्यम से सरकार से या जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं निवेदन कर रहे हैं कि इस चीज़ को विचारें इस चीज़ पे। जैसा कृष्णकांत जी ने कहा कि एयर स्ट्राइक जैसे उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से किया, तो महंगाई पे भी स्ट्राइक करें, ये हमारी सरकार से निवेदन है, अपेक्षा है। लेकिन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पेट्रोल और डीजल का कीमत हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये भी हमें पता है। नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा आपको, क्योंकि अब ये आंकड़ा तो सबको पता चल चुका है कि जो टैक्स का इम्पोजिशंस है वो केंद्र ने भी अच्छे कर रखे हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने भी कर रखा हुआ है। तो ये जो टैक्सेशन है वो केवल राजस्व को कलेक्शंस करने का जो एक माध्यम है वो बताया जाता है। और इस पे अगर लास्ट टाइम मतलब हम मतलब मैं अगर गलत ना हूँ तो मुझे जहाँ तक इसका आकलन है कि जब पेट्रोल के दाम सस्ते भी हुए थे तब भी हमने राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स का इम्पोजिशंस काफ़ी बढ़ाया हुआ था। और लास्ट टाइम क्या हुआ कि इलेक्शन से कुछ समय पहले 5 रुपए के आसपास की सब्सिडी गवर्नमेंट्स ने स्टेट गवर्नमेंट्स ने करके दी थी, जो बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, तो वहाँ पे बीजेपी स्टेट्स में आपको पेट्रोल और डीजल्स के दाम कम दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब क्या ये जिम्मेदारी केंद्र की नहीं बनती है कि अब वो थोड़ा सा आगे बढ़े और पेट्रोल और जो डीजल है उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए? कब तक आप जो है सो इसका हवाला देते रहेंगे? आप अगर तुलना कीजिए तो जो ट्रांसपोर्टेशंस मॉड है वो आपको श्रीलंका का ट्रांसपोर्टेशंस जो है सो ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन श्रीलंका में जो तेल है वो हमसे सस्ता बिकता है। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं तो देखना ही चाहिए, मेरा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया, आपने एक बहुत सकारात्मक तरीके से आईना दिखाने का कोशिश किया है। आप जैसे जन प्रतिनिधियों को, जो पत्रकार मीडिया के लोग हैं, उनको भी साधुवाद है कि एटलीस्ट इतना डीप में जा करके चीज़ों को पूछ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और ये होना चाहिए था। शायद तभी सरकार इस बात को भी समझेगी कि जनमानस तक ये सूचना पहुंच गई है कि किस तरह से मूल्य निर्धारण होता है, मूल्य का कंट्रोल होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो भी सरकार में लोग बैठे हुए हैं, उनका दायित्व है, उनका उत्तरदायित्व है कि लोगों को अच्छे तरीके से, सहज तरीके से और जो सामान्य मूल्य जो है उसका फायदा सबको मिल सके। जी ये ठीक है, सरकार का इस कदम का सराहना करना चाहिए कि इसके लिए एक अल्टरनेटिव एनर्जी भी डेवलप कर रहे हैं वो। जैसे आजकल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक के व्हीकल पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन अभी जो ज्वलंत मुद्दा है पेट्रोल डीजल के प्राइस पे, अगर तुरंत स्ट्राइक नहीं किया गया तो शायद, मुझे बार बार पता नहीं क्यों सुषमा स्वराज जी की याद आती है ऐसे समय में, क्योंकि उनका कुशल नेतृत्व और कुशल बात करने का तरीका, डिप्लोमेटिक जो उनका वे था काम करने का, उसके बाद भी वो प्याज के मुद्दे पे चली गई, तो ऐसा ना हो कि एक बहुत कुशल सरकार, कुशल नेतृत्व करने वाली सरकार
जनता के क्रोध का शिकार बन जाए। मैं देखिए, आपका बात एकदम जायज है कि आप ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो क्रोध है जनता का, जनता की जेब पे आप जब भारी पड़ेगा तो वो तो लाजमी है, क्योंकि आपको संवेदनहीन कैसे आप हो सकते हैं? कृष्णकांत जी, आप इस संवेदनहीनता पे कुछ आप कहेंगे? आप सिर्फ सरकार को संवेदनहीन नहीं कर सकते हैं, जनता को भी कुछ संवेदनशील होना चाहिए। कि कैसे, मतलब जनता अभी पेट्रोल कैसे ना चले, पेट्रोल पेट्रोल की बात जब हम करते हैं तो आप 10 लाख की गाड़ी जब चला सकते हैं तो 100 रुपये का तेल क्यों नहीं खर्चा कर सकते हैं, पहली बात। आज महंगाई के ऊपर इतनी चर्चा हो रही है, आप एक टीचर की सैलरी देख लीजिए या एक मजदूर का देख लीजिए। एक तरफ तो कहते हैं कि एक मजदूर 20,000 रुपये महीना कमाए और उसी मजदूर को कहते हैं कि 40 रुपये का प्याज महंगा हो गया, उसी मजदूर को कह रहे हैं कि आप 10 लाख का गाड़ी खरीदो। तो सरकार को संवेदनहीन बोल सकते हैं, जनता भी तो संवेदनहीन हो गई है, क्योंकि सरकार जो पैसे इकट्ठा करती है और खास करके मोदी की सरकार जो कर रही है वो जन कल्याण के लिए खर्चा कर रही है, ना कि वो स्विस बैंक में जमा कर रही है। नहीं, तो ये ये फैक्ट देखिए, आप ये नहीं प्रूफ कर सकते कि वो संवेदनहीन हो गई है। संवेदनहीन तो है ही, अगर वो जनता की नहीं सुन रही है तो वो संवेदना कहाँ दिखाई देती है उनकी? कैसे तो आप इसको कहेंगे कि वो संवेदनहीन पहला है? तो नहीं, ये कंसेप्ट समझना चाहिए कि सरकार कहते किसको हैं। सरकार जनता ही होती है, अगर सरकार कुछ बढ़ाती है तो बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है, तो वह योजनाओं को चलाने के लिए उसको कहीं से तो टैक्स लेना पड़ेगा। तो आप टैक्स देने के लिए अब तैयार हैं, लेकिन जो टैक्स कितना कितना टैक्स टैक्स दिया कहाँ कोई जाए? देते हैं लोग, अब तेल पर ही बात करते हैं, खाली तेल पर बात कर रहे हैं। आलू भी सस्ता है, प्याज भी ज़्यादा महंगा नहीं है, सब्जियां भी ज़्यादा महंगे नहीं हैं। तो इन सभी कारणों से महंगाई तो अभी ज़्यादा उतना मुद्दा नहीं बनता है, और खास करके केवल सरकार सरकार करते रहेंगे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। आप देखिए, एक मिस्त्री राजमिस्त्री को कहते हैं 700 रुपये दीजिए, यानी कि महीने का वो 21,000 रुपये कमा रहा है, तो क्या वह साइकिल पर नहीं चल सकता है, उसको मोटरसाइकिल खरीदने की ज़रूरत है क्या? ये तो और आप तो संवेदनहीनता ही बात कह रहे हैं कि मतलब एक गरीब आदमी है तो वो मोटरसाइकिल पर ना चले। क्या वही हम कह रहे हैं कि क्या आप मतलब ये संवेदनहीनता मुझे ये तो दिखाई देती है सरकार की। संवेदनहीनता और संवेदनशीलता, हम बजाय सरकार पे ब्लेम करें या किसी पे ब्लेम करें, ये नहीं है। हमारा परिचर्चा आपने बहुत सही डायरेक्शन में उठाया था और उसी डायरेक्शन में हम लेके चलें। हम ये नहीं कह सकते सरकार संवेदनहीन है या संवेदनशील है। अभी हमारा मुद्दा ये है कि हम रोज के लिए पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, गैस का दाम बढ़ा हुआ है, जी, हमारे घर का बजट बढ़ गया इससे। हम ऑफिस आने जाने के लिए बाइक यूज करते हैं। सब्जी का रेट ठीक है, कृष्णकांत जी जैसा बता रहे हैं कि अभी कंट्रोल में है, सरकार ने कैसे कंट्रोल कर रखा है, इकोनॉमिक्स इतना डीप में जाकर के हम उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। सर मैं इसकी तुलना करूंगा, ठीक है। मैं अभी इस पे और चर्चा चूंकि उठी है तो मैं इस प्राइस को भी थोड़ा सा और एनालिटिकल कर देता हूँ। जब भी ये सीजन होता है, ठीक है, इस सीजन को आप लास्ट 2-3 टर्म्स के सीजन्स के साथ उसको कंपेयर करके देखिए, ठीक है, आप पाएंगे कि सब्जी का रेट जो था पिछले सीजन से अभी ज़्यादा है, ठीक है। मैं किसी कभी भी किसी समय का आंकड़ा आप उठा लीजिए, ठीक है, और जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई होगी, याद होगा आपको, 2014 की बात मैं कर रहा हूँ, स्लैशली द प्राइसेस ऑफ ईच एंड एवरी वेजिटेबल्स गॉट डाउन, ठीक है। वो क्या चमत्कार था मुझे नहीं पता, बट ये हुआ था। और उसका कंपैरिजन आज के उसमें परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, उससे आपको 2 से 3 गुनी महंगी आपको सब्जियों के प्राइसेस आपको दिख जाएंगे। और ये यही रीजन है कि जब आलू, मैं आलू की ही बात कर लेता हूँ, आलू अगर पिछले सीजन में आपको जो है सो 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो आपने खरीदा होगा, तो इस बार जो है सो 5 रुपये, 10 रुपये के आसपास को आपको मिल रहा होगा, ठीक है।
मुझे नहीं पता, आपको प्राइस ज़्यादा अच्छे से पता होगा, मेरे ख्याल से 10 रुपये के आसपास तो आलू का, आलू की कीमत है ही, लेकिन आप इसको पिछले सीजन से तुलना कीजिए, हाउ इट वुड बी। ठीक है, अब ये भी आप कहेंगे कि किसानों के खाते में चला जाता है, वो भी नहीं जाता है। यहाँ पे मुझे जो लगता है कि वाकई में जो है सो सरकार जो है सो संवेदनहीन है, क्योंकि प्राइसेस यहीं से बढ़ते हैं। आपको डीजल, और जैसे ही आपके डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको बढ़ जाएंगे, और जैसे ही आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ेगा ईच एंड एवरी प्राइसेस वुड बी राइज्ड। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और एक बात से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि एटलीस्ट किसी पार्टी को कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मोदी जी जो व्यक्तित्व हैं अजय, उनको संवेदनहीन नहीं कहा जा सकता है। मैं मतलब मोदी जी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार अगर करेक्ट, मोदी, अगर गवर्नमेंट बनती है मोदी सरकार के नाम से, तो वो भी उस परिदृश्य में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ठीक बात है, इट्स नॉट अ बीजेपी गवर्नमेंट, इट्स अ मोदी गवर्नमेंट। क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए ये गर्व और प्रेरणा का विषय है जी कि हमारे प्रधानमंत्री जितना समय देश हित के लिए लगाते हैं, देश के कार्य के लिए लगाते हैं, जैसे कई बार उन्होंने कह भी रखा है कि अगर हम, आप 15 घंटा काम करते हो तो हम 16 घंटे काम करेंगे, अगर आप 16 घंटे काम करते हो तो हम 17 घंटे काम करेंगे, और किसी भी मुद्दे पे वो चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं। खास करके मैंने कई बार उनसे प्रेरणा मिली है हमारे को, जैसे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा पे चर्चा, लोगों को मोटिवेट किया है कि आप एग्ज़ाम में कैसे टेंशन फ्री होकर के एग्ज़ाम दें। तो एक प्रधानमंत्री होकर के अगर इस मुद्दे को समझ सकते हैं, बच्चों का स्ट्रेस लेवल को समझ सकते हैं, तो हम ठीक जैसे घर चलाने वाले लोगों का भी मुद्दा समझें, आपके माध्यम से हम उनसे निवेदन करेंगे। जी सब मुद्दे पे वो बहुत बढ़िया से चीज़ों को प्रेजेंट किए हैं, तो इस मुद्दे को भी वो टैकल करेंगे। मेरा आपके थ्रू उनसे निवेदन है। जी हम मतलब और निवेदन ही कर सकते हैं सरकार से। कृष्णकांत जी, आपको कुछ अभी फिर से अपने इनपुट्स देना चाहें फिर से एक बार। इनपुट में यही रहेगा कि महंगाई का सिर्फ मुद्दा बना करके सरकार को संवेदनहीन ना किया जाए, जिसमें अगर आप आमदनी बढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक चीज़ है कि महंगाई भी बढ़ेगा। आपको मैं एक डाटा दे देता हूँ कि आफ्टर कोविड बहुत सारे बेरोजगारी की संख्या जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। ठीक है, कई लोगों की प्राइसेस जो इनकम है वो कट चुकी है, गवर्नमेंट इसका डाटा खुद ही देती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आमदनी हमारी बढ़ गई है इसलिए जो है सो प्राइसेस हाइक हो गई है? हाँ, प्राइसेस जब आमदनी बढ़ी ही नहीं है तो प्राइसेस और घटने चाहिए। उसके ऊपर भी कहेंगे कि क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन है कि इस महंगाई को कम कर सकें। सरकार के पास इतने अर्थशास्त्री लोग बैठे हुए हैं, क्या वो यह समझ नहीं पा रहे हैं कि पेट्रोल का जो दाम है और सिर्फ डीजल का दाम या गैस का दाम, ये भारत में तो होता नहीं है, हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि जब हम दूसरे से मंगा रहे हैं उसमें खर्चा हमारा ज़्यादा है, तो पब्लिक को कैसे वो फ्री में दे दें नहीं, या फ्री कम में ना करके दें, दे लेकिन दें। कम से कम इतना तो टैक्स इम्पोज ना करें कि जो श्रीलंका गवर्नमेंट जो परचेज कर रही है, जो श्रीलंका गवर्नमेंट भी तो वहीं से परचेज कर रही है जहाँ से हाँ हम परचेज कर रहे हैं, और उनको बस, सस्ता पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज हमसे ज़्यादा देने के बाद। और यहाँ की जो पब्लिक है उस प्राइसेस में जो जो मिलना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा आपको इसमें टैक्स देने पड़ते हैं। केंद्र सरकार को भी देना पड़ता है और प्लस आपको स्टेट गवर्नमेंट को भी देना हाँ पड़ता उस है। पर तो ये ध्यान। जिम्मेदारी होती है केंद्र के सरकार के भी और राज्य सरकार को भी कि हमारी संवेदनाओं को समझें। हमारे जो घर के लोग हैं, जो छोटा सा घर चला रहे हैं, जिनकी आमदनी 20 हज़ार 15 हज़ार, ये तो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं कि एक बंदा 700 रुपये पर डे के हिसाब से कमा रहा है और 21 हज़ार रुपये उसकी आमदनी हो सकती है महीने की, लेकिन उसको कितने दिन काम मिलते हैं? हर दिन तो काम नहीं ले सकता उसको। हाँ और इस ऐसे इस तरह की संख्या जो है सो ज़्यादा है। आप अगर गवर्नमेंट का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो 21 रुपये से 25 रुपये उन्होंने करी है, 25 के बाद फिर 32 रुपये कर दी, नीति आयोग का ये कथन है। मतलब पर डे की एवरेज इनकम है इंडियन बंदे की, तो वहां के पे तो पास इम्पैक्ट इसका पड़ेगा ना उपाय उस बंदे को, है तो इम्पैक्ट कि पड़ेगा, वो सरकार अपना कैसे चूल्हा कम कैसे करके जलाएगा? आपने बताए। तो जो है सिर्फ सो जीएसटी गैस कह भी दे दिया फ्री में, देना फ्री के इतना नाम पे आसान आपने दे नहीं दिया है, था, आप जो है सो वो सब्सिडी आपने हटा ली, उसके पास सब्सिडी हटाने के बाद वो गैस जीएसटी कैसे में क्यों नहीं चलाएगा? कर रही है सरकार।
पहला चीज तो है कि हम पहले दूसरे यह तो सरकार ही जानती है, जनता तो सिर्फ सीधा सीधा बोल देगी कि जी महंगाई बढ़ गई, महंगाई हो गई और जीएसटी मिला दो। सरकार जरूर सोच रही होगी कि जीएसटी में क्यों नहीं लाया जाए और जीएसटी में क्यों नहीं लाई है, यह भी जान रही होगी। श्रीलंका तो से हम तुलना सिर्फ यह सरकार को संवेदनहीं कह देने से काम नहीं चलने वाला, जनता को भी संवेदनशीलता दिखानी होगी जिस तरह सरकार और सभी मामलों में दिखा रही है। क्योंकि टैक्स उसने कम इंपोज़। जाते जाते पंडित काक जी, क्या लास्ट आप निवेदन करना चाहेंगे सरकार से या हमारे दर्शकों से? सरकार जिस तरह से हर एक मुद्दे पे, सामाजिक मुद्दे पे स्ट्राइक कर रही है, बहुत से कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया है, बहुत से पुराने कानून को ख़त्म किया है, जो कुछ नहीं हो पाया था आज़ादी के बाद वो करके दिखाया है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि महंगाई जैसे मुद्दे पर भी शायद थोड़ा ध्यान देगी सरकार, और इससे भी हम जल्द निजात पाएंगे। कुशल नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व से कुशलता की ही कामना करते हैं। ये बड़ा अच्छा ही आपने जाते जाते कहा कि कुशल नेतृत्व है, और कुशल नेतृत्व से हम आकांक्षा करते हैं कि महंगाई पे कुछ लगाम लगाई जाए, जिससे कि जो आर्थिक तंगी, जो सरकार खुद अपने लिए बताती है कि आर्थिक तंगी से चल रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जनता किस तंगी से या किस हालात से गुजर रही होगी, तो उसको जल्दी ही कुछ निजात करने के लिए जल्दी ही कुछ उपाय करें। ऐसी ही कामनाओं के साथ आज के इस एपिसोड में हम विदा लेते हैं। जन मीडिया से विकास मिश्रा, धन्यवाद। वहाँ पे उनको कॉस्ट जो है सो ज़्यादा देना पड़ता है, हमसे ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, भारत में जो जो रॉ आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा महंगा जो है सो आपको श्रीलंका को मिलता है, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। हम यहाँ पे टैक्स इम्पोज करते हैं, ठीक है, टैक्स हमने दो तरह के टैक्स ऑलरेडी इम्पोज कर रखे हैं, वैट भी लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है, फिर उसके बाद केंद्र सरकार टैक्स लेती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ये जिम्मेदारी तो बनती है ना गवर्नमेंट की, कि हम अपने अपने जो जो आप कहते हैं कि जनता की सरकार है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई है, तो जब लोकतंत्र पे कहीं पे भार दिखाई दे रहा है, आपको ये भी पता है कि कोविड में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, जॉब कट हुआ, इनकम कट हो गया, कई ऐसे मुद्दे हैं मेरे पास रोज आते हैं जहाँ पर क्या होता है कि परिवार का जो आर्थिक, आपको पता है कि इंडिया में जो मेन फैमिली बंदा होता है वही पूरा पूरी फैमिली को चलाता है, उसकी जॉब चली गई तो वो फैमिली कैसे चलेगी। तो इस विषय में तो गंभीरता से बात हमें करनी पड़ेगी ना, हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो समय है वो संवेदनहीनता का नहीं, संवेदनशीलता का है, जहाँ पे प्राइसेस को कट करना पड़ेगा। आप सब्सिडी दे रहे हैं बहुत सारी जगह पे, सब्सिडी आपने दी। जहाँ तक संवेदनशीलता का विषय है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के समय में जितना संवेदनशील ये सरकार थी, जिन्होंने 6 महीने तक मुफ्त में राशन, मुफ्त में गैस की व्यवस्था करके सबको दी जी। तो ठीक है, आज पेट्रोल डीजल का प्राइस है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं उसका मुखर विरोधी हूँ। मैं सरकार से बार बार निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से, और जो भी मेरे जो समझ में आता है, मैं चाहूँगा कि सरकार जैसे बाकी मुद्दों पे स्ट्राइक करते आ रही है, इस मुद्दे पे भी स्ट्राइक करके जल्दी से इसको रिजॉल्व करे। लेकिन 6 महीने में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फ्री में जो सर्विस दिया गया, खास करके अनाज का, मैं भी रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मेरे को पता है कि रूरल बैकग्राउंड में किस तरह से अनाज और गैस का वितरण हुआ था। तो शायद उसका भी इम्पैक्ट हो, जिससे सरकार उस पैसे को भरपाई करने के लिए इसमें कुछ स्टेप नहीं ले पा रही है। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या रीज़न है। जो दूसरा मुद्दा आपने उठाया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग टैक्सेज इस पे इम्पोज हो रहा है, निश्चित रूप से एक ही टैक्स इस पे भी लगना चाहिए, जो जीएसटी टैक्स की बात हो रही है, जीएसटी के दायरे में इसको भी लाना चाहिए। यही देखिए, संवेदनशीलता यही होती है कि आप जो है सो किसी निजाम के अंदर में तो है नहीं कि आज जो है सो हमने टैक्स इम्पोज कर दिया, फसल होगी या नहीं होगी, यू हैव टू पे द टैक्सेस। आप तो एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है, हमारे यहाँ किसान भी हैं, हमारे यहाँ व्यापारी गण भी हैं, और एक ऐसी चीज़ जिससे कि सभी की प्राइसेस को इम्पैक्ट पड़ता है, सभी का जेब भारी होता है, वो चाहे बहुत धनाढ्य हो या फिर बहुत गरीब हो। ठीक है, तो ये जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी को कहीं ना कहीं से पड़ रहा है, तो उसको पढ़ने का जो लक्ष्य है वो तो निश्चित रूप से सरकार को ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखना पड़ेगा और देखना चाहिए। जो एक जो सुझाव दिया
जीएसटी में आना चाहिए। आए दिन मैं भी मीडिया में इस चीज़ों को देख रहा हूँ और मेरे समझ से बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। लोग जागरूक हो रहे हैं जी। आप लोग जैसे लोग लोगों से इसी तरह से और चर्चा करें, बात करें, लोगों को बताएं तो और सहज हो जाएगा इसको इम्प्लीमेंट कराना जी। आपका जैसे मतलब आपने बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल कृष्णकांत जी बताएं फिर सिविल सोसाइटी जैसे अभी बोल रहे हैं ये कि सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट अगर हो और प्राइसिस वगैरह को देखा जाए तो ये जो संवेदनता जो शून्यता मैं बार बार जिसकी जिक्र कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छे डायरेक्शंस में दे सकती है। देखिए सिविल सोसाइटी से पेट्रोल का दाम आप कम नहीं करवा सकते। नहीं नहीं उनके पास कोई आइडिया है नहीं। नहीं नहीं सिविल सोसाइटी के पास कैसे आइडिया नहीं है। अगर कोई हम जैसे हैं पब्लिक तो ये चाहेगी कि हमें फ्री में पेट्रोल भी सरकार दे, तो क्या सरकार पेट्रोल फ्री में दे सकती है? नहीं फ्री में तो कभी दिया नहीं है, लेकिन हमें जरूरत तो है ना इस समय। आप ऐसे बात कैसे कह सकते हैं कि वो फ्री में दे दे हमें? क्योंकि सिर्फ चर्चा करने से कुछ होता नहीं है, चर्चा करने से बस खाली कंफ्यूजन क्रिएट होगा। चर्चा करने से कंफ्यूजन होता है? अब चर्चा करने से कंफ्यूजन कैसे होगा? चर्चा करने से तो कंफ्यूजन दूर होता है कृष्णकांत। किसी भी आप पब्लिक से पूछिए कि पेट्रोल की कीमत कैसे कम हो सकती है, हम गारंटी करते हैं उनके पास कोई आइडिया नहीं होगा। नहीं मैंने एक आइडिया दे दिया ना आपको, हम तो आपको बता रहे हैं कि अगर वो जीएसटी के दायरे में लाया गया आप उस पर एक तरह का टैक्स आप लगा दीजिए। आप कितने परसेंटेज टैक्स लगाए हैं वो भी मैं आपको आकलन दे देता हूँ, आपको खुद होगा कि ये गवर्नमेंट क्या मजाक कर रही है क्या। लास्ट टाइम का हवाला मैं दे देता हूँ आपको, कोविड से पहले का इनका कुछ ऐसे मैसेजेज आ रहे थे कि इन्होंने ईरान में जो है सो मनमोहन गवर्नमेंट ने इतना तेल ले रखा था और उसका क्रेडिट वैल्यू इतनी हो चुकी थी कि उसको पूरा करने के लिए राजस्व का घाटा पर कम करने के लिए इन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया। अब वो ख़त्म हो चुका है, अगर वही बात हम मान लें, मुझे नहीं पता वो सत्य है असत्य है, लेकिन अगर उसको भी मान लें तो वो भी समय पूरा होते हुए भी अब आप बता रहे हैं कि ईरान का जो भंडारण था वो हमने पूरा कर दिया। तो अब जब वो भी पूरा कर दिया ये भी हो गया तो अब जो है वो टैक्स जो आपने इम्पोज किया था वो तो ख़त्म कर दो। हाँ उस पर मैं बोलूँगा, एक वक्त एक सरकार आई थी जो कहती थी कि लोग जो है बजट बनाएंगे, तो हम उस वक्त भी कहते थे कि भैया लोग अगर बजट बनाएंगे तो लोगों से पूछो बजट का मतलब क्या होता है तो शायद नहीं बता पाएंगे। तो आप मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप विश्वास नहीं रखते हैं? लोकतांत्रिक प्रक्रिया सिर्फ पेट्रोल की दाम कम करवा देने से नहीं होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है फिर? मतलब आप बटन आप दबा दीजिए, चुनाव का बटन दबाना ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया? चुनाव का बटन नहीं है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि तेल की दाम ज्यादा है, लेकिन ये कह देने से कि तेल दाम सरकार क्यों नहीं कम कर रही है या सरकार जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला रही है, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि सरकार के पास चाहे कोई भी सरकार हो उसके पास विशेषज्ञ होते हैं किसको जीएसटी में रखना है किसको जीएसटी में नहीं रखना है। वही तो हम भी चर्चा कर रहे हैं कि ये कौन से विशेषज्ञ हैं जो जिन्होंने विशेषज्ञ तय करेंगे। चलिए मिलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद फिर से हम लोग चर्चा को जारी रखेंगे आगे, तब तक के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं। ठीक, फिर से स्वागत है परिचर्चा में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे महंगाई के मुद्दे पे सरकार अपनी संवेदनशीलता होते हुए भी कई चीज़ों को छोड़ रही है, तो आगे हम लोग फिर से परिचर्चा को जारी रखते हैं। कृष्णकांत जी आपने जैसे कई चीज़ों को मुद्दों को इसमें उठाया, ठीक है, आपने कई बार सरकार की तारीफ भी करी, ये जो मुद्दा है जिसमें मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट थोड़ी सी संवेदनहीन हो चुकी है, जैसा इन्होंने बताया कि सरकार के अपने विशेषज्ञ होते हैं, तो ये कैसे विशेषज्ञ हैं जो इस बारे में उनको संज्ञान नहीं दे रहे? अब ये कौन से विशेषज्ञ हैं क्या हैं, इन सबसे हटके हमारा सिर्फ ये कहना है कि सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है, हर एक मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार रही है सरकार। जैसे पीछे भी मैंने आपसे बताया कि एक पहली बार मैंने ऐसे एक प्रधानमंत्री को देखा जिसको विद्यार्थियों की चिंता है, जिनको बुजुर्गों की चिंता है, जिनको बीमारों की चिंता है, जिनको सभी के अकाउंट की चिंता है, तभी जनधन अकाउंट सबके लिए चलाया। तो ये सरकार निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों को कंट्रोल करने में सक्षम सरकार है। अब किस कारण से
इस समय नहीं हो पा रहा है, क्या हो पा रहा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सरकार से फिर भी कहूँगा, कोई भी कारण हो, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, जन सामान्य के लिए, जन लोगों के लिए इसको नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि इससे पेट्रोल डीजल से सामान्य जीवन के हरेक चीज़ों का रेट प्रभावित होता है जी, हरेक चीज़ों का रेट प्रभावित होता है, और हरेक चीज़ अगर रेट महंगा हो गया तो निश्चित रूप से उस महंगाई के समय के साथ साथ सैलरी नहीं बढ़ने वाली है, इनकम नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि कोविड के दौर में ऑलरेडी सैलरी पे, तनख्वाह पे, रोजी रोजगार पे ऑलरेडी कटाई चल चुकी है जी, बहुत तेज़ी से लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों के सोर्स ऑफ इनकम कम हुए हैं, और महंगाई अगर बढ़ गई तो बहुत मुश्किल गुजारा हो जाएगा। ठीक है कृष्णकांत जी, महंगाई तो एक मुद्दा है ही, और सरकार से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस महंगाई को कम करे, नहीं तो उसका सारा जन कल्याण मुद्दे पर पानी फिर जाएगा, जैसा सुषमा स्वराज के समय में एक प्याज ने उनको फेर दिया था। चलिए अब ये मानने के लिए तो आप तैयार हुए कि कम से कम जो है तो मानने के लिए तो महंगाई मुद्दा ज़रूर है जी, लेकिन सिर्फ महंगाई कर करके हम सरकार को कोस नहीं सकते हैं, एक हमारा भी कर्तव्य दायित्व तो बनता है कि जो टैक्स पेयर हैं वो ईमानदारी से टैक्स पे करें, और जनता से भी ज़रूर कहूँगा कि अपनी खर्च को ज़रूर कम करें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी पर ध्यान दें। नहीं ठीक है वो तो हम करेंगे, लेकिन हम और किसके पास जाएंगे, हम सरकार के पास ही तो जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे। हाँ सरकार के पास जाएंगे, लेकिन के पास इसका उपाय है कि सरकार कैसे कम करके बताए, सिर्फ GST कह देना इतना आसान नहीं है, उसके पास GST में क्यों नहीं कर रही है सरकार, यह तो सरकार ही जानती है, जनता तो सिर्फ सीधा सीधा बोल देगी कि जी महंगाई बढ़ गई, महंगाई हो गई, अब GST में मिला दो, सरकार जरूर सोच रही होगी कि GST में क्यों नहीं लाया जाए, और GST में क्यों नहीं लाई है यह भी जान रही होगी, तो सिर्फ यह सरकार को संवेदनहीन कह देने से काम नहीं चलने वाला, जनता को भी संवेदनशीलता दिखानी होगी, जिस तरह सरकार और सभी मामलों में दिखा रही है। जाते जाते पुनर्विकास जी, क्या लास्ट आप निवेदन करना चाहेंगे सरकार से या हमारे दर्शकों से, आप कहना चाहेंगे? सरकार जिस तरह से हरेक मुद्दे पे, सामाजिक मुद्दे पे स्ट्राइक कर रही है, बहुत से कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया है, बहुत से पुराने कानून को ख़त्म किया है, जो कुछ नहीं हो पाया था आज़ादी के बाद वो करके दिखाया है, तो मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि महंगाई जैसे मुद्दे पर भी शायद थोड़ा ध्यान देगी सरकार, और इससे भी हम जल्द निजात पाएंगे, कुशल नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व से कुशलता की ही कामना करते हैं। चलिए ये बड़ा अच्छा ही आपने जाते जाते कहा कि कुशल नेतृत्व है, और कुशल नेतृत्व से हम आकांक्षा करते हैं कि महंगाई पे कुछ लगाम लगाई जाए, जिससे कि जो आर्थिक तंगी, जो सरकार खुद अपने लिए बताती है कि आर्थिक तंगी से चल रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जनता किस तंगी से या किस हालात से गुजर रही होगी, तो उसको जल्दी ही कुछ निजात करने के लिए जल्दी ही कुछ उपाय करें, ऐसी ही कामनाओं के साथ आज के इस एपिसोड में हम विदा लेते हैं। जन मीडिया से विकास मिश्रा, धन्यवाद।